हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मैगी के पकोड़े, बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट। और गाइज, इसे बड़े भी बहुत ही चाव से खाएंगे और इसे आप इवनिंग में और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पे चाय के साथ खा सकते हो। सो गाइज, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे पानी डाल रही हूँ मैं। यहाँ पे दो मैगी का यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ 1 ग्लास वाटर यूज डाला है। और उसके बाद यहाँ देखिए, मैंने 2 मैगी लिया है और मैगी को यहाँ पे हल्का हल्का सा क्रश करके डालना, बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको चलाना है, आपको ध्यान देना है कि पानी थोड़ा कम रहेगा क्योंकि मैगी टोटल नहीं गलना चाहिए, हल्का सा कच्चा ही रहेगा, जैसे थोड़ा सा अधपका टाइप होना चाहिए। तो देखिए गाइस, इस तरीके से जब ये पूरा मैगी ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको मैगी के मसाले डाल देने हैं और उसके बाद इसको चलाना है। पानी जब आपको लगेगा कि पानी कम हो गया है और मैगी हल्का हल्का सा बस हुआ है, पूरा नहीं होने देना है, तो आपको इसको बंद कर देना है। उसके बाद हम चलेंगे सब्जी के प्रोसेस पे। तो गाइज देखिए, मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी कट किया है और 2 प्याज कट किया है और यहाँ पे मैंने कैप्सिकम लिया है और गाजर एक एक है, ये गाजर एक है और शिमला मिर्च एक है। उसके बाद मैंने धनिया पत्ता ढेर सारा लिया है और मिर्च। उसके बाद क्या करना है गाइज कि आपको एक ऐसे बाउल लेना है और उसके बाद आपको टोटली सब्जी, मैंने जो जो बताया, पहले आप पत्ता गोभी को डालो ऐसे, फिर उसके बाद गाजर डाल दो, फिर उसके बाद शिमला मिर्च, फिर उसके बाद प्याज डाल दीजिए। इस तरीके से प्याज को आपको क्रम्बल करके डालना है, क्रश करके इस तरीके से, ताकि जो इसके पतले पतले जो प्याज के टुकड़े अलग हो जाएँ। उसके बाद फिर आपको मिर्च डालनी है एंड धनिया डालना है। तो गाइज देखिए, अब मैं यहाँ पे 1 बाउल बेसन ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ 1 बाउल बेसन ऐड कर दिया और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे चावल का आटा डाली हूँ एंड 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, आप दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हो। देन इसके बाद हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून हल्दी, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, फिर मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है, फिर यहाँ पे देगी मिर्च है मेरा कलर के लिए ओनली। उसके बाद यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला 1 टेबल स्पून, फिर यहाँ पे मैं अजवाइन ली हूँ, इसको हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा करके डाल देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा, उसके बाद जो मैंने मैगी निकाल करके प्लेट में रखा था ये सूख गया है, देन इसको हमें अच्छे से डाल देना है इस तरह से। उसके बाद हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है टोटल सब्जी और मसालों को और मैगी को। मैगी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए हमें कसकस की नहीं, मतलब हल्का हल्का सा हाथों से मिक्स करना है, जैसे इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद इस तरीके से मिक्स करेंगे, जैसे कि हम एक पकौड़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से गाइस देख सकते हो आप अपने हाथों से चेक कर लेना, अगर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप थोड़ा सा और यूज़ कर सकते हो, बट इनफ है। मैं आप बस थोड़ी सी पानी, मतलब मुश्किल से 2 से 3 टेबल स्पून पानी लगेगा इसमें। तो गाइस ये पकौड़े के लिए टोटली एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। देन हमें तेल को गर्म करना है, उसके बाद हम इस तरीके से पकौड़े को रखेंगे, इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आपको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए अंदर अंदर से। और ये गाइस काफ़ी क्रंची हो गया है क्योंकि मैंने इसमें चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर मैंने दोनों ऐड किया। आप चाहो तो कोई एक भी ऐड कर सकते हो, बस उसकी क्वांटिटी थोड़ा अधिक रखना है। उसके बाद गाइस देखिए, इसको आपको पलट पलट के चलाते रहना है, एकदम गोल्डन ब्राउन करना है। तो गाइस ये हमारा हो गया है। देन इसी तरीके से आपको टोटल जितने भी आपने बनाया, इस तरीके से आप इसको छान लीजिए। और आप कोई भी पार्टी, कोई भी ओकेशन या ठंडी का सीज़न, गर्मी का, मतलब कुछ भी हो, जब आपका मन करे पकौड़ा बनाने का, तो आप एक बार ये मैगी का पकौड़ा बना करके देखना। सीरियसली ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, काफ़ी क्रंची होता है और काफ़ी अच्छा लगता है और बच्चे भी इसे खा सकते हैं। तो गाइस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।